हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ताजा रेसिपीज। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही टुकड़ा, वो भी बिना चाशनी के। ये एकदम आसान तरीका है शाही टुकड़ा बनाने का। शाही टुकड़ा बहुत ही कम टाइम में बनेगा और स्वाद मार्केट से भी बेहतर, ये मेरी गारंटी है। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। प्लीज सब्सक्राइब टू ताजा रेसिपीज इफ यू हैवंट ऑलरेडी, और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। सबसे पहले हम रबड़ी तैयार करेंगे। रबड़ी गाढ़ी होनी चाहिए, तभी टोस्ट पर ठीक से चढ़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई या भगोने में 1 लीटर दूध लेकर इसे उबालना है। मैंने यहाँ पे फुल क्रीम दूध लिया है क्योंकि इसमें मलाई ज्यादा निकलती है। उबाला आने के बाद लो फ्लेम पर दूध को कड़ने दें। ये जो दूध के ऊपर मलाई के लेयर्स बन रहे हैं, उन्हें हम ऐसे स्क्रेप करके साइड में करते जाएंगे। जब तक दूध कड़ रहा है, ब्रेड के टुकड़े तैयार कर लेते हैं। मैंने ब्रेड के 5 स्लाइसेस लिए हैं। ध्यान रखेंगे कि ब्रेड के साइड्स निकालने नहीं हैं, क्योंकि इनसे टुकड़ों को एक अच्छा डेफिनेट शेप मिलता है। मैं 2 शेप्स में टुकड़े काटूंगी, ऐसे ट्रायंगुलर शेप में 1 स्लाइस के 2 टुकड़े होंगे। ऐसे। और फिर ऐसे स्क्वायर शेप में 1 स्लाइस के 4 टुकड़े। आमतौर पे दोनों ही शेप्स में शाही टुकड़े देखने को मिलते हैं। अब हमें इन्हें फ्राई करना है। ब्रेड के टुकड़े फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं। यूजुअली शाही टुकड़ों को घी में फ्राई किया जाता है, लेकिन तेल में इन्हें फ्राई करने से ये बहुत ही लाइट बनते हैं और स्वाद पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। तेल गरम हो गया है, अब हम इनमें ब्रेड के टुकड़े डालेंगे। आंच को हमने तेज रखा है क्योंकि कम आंच पर ब्रेड फ्राई करने पर ब्रेड बहुत ज्यादा तेल सोखेगी। बस इन्हें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। ऐसे धीरे धीरे पलटते रहिए ताकि दोनों साइड से इक्वली ये अच्छे से फ्राई हों। बस ये हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक फ्राई करना है। ऑलमोस्ट डन है, देखिए इन्हें निकाल लेते हैं। ऐसे साइड से यूं तेल निकाल लेंगे। अभी ट्रायंगुलर ब्रेड भी हम फ्राई कर लेते हैं। तेल बहुत गर्म है इसीलिए जल्दी से हो गया, ये देखिए परफेक्ट। इनका भी ऐसे साइड से तेल निकाल लेंगे। इन्हें साइड में रख देते हैं, तब तक देखते हैं दूध का क्या हाल है। ये देखिए दूध यहाँ पे ऑलमोस्ट 40% कर चुका है, मतलब 1 लीटर का ये तकरीबन आधे लीटर से थोड़ा ज़्यादा हुआ है। तो अब इसमें मिलाएंगे
200 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क मिक्स करने से रबड़ी का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। मैंने डिटेल में रबड़ी बनाने की रेसिपी भी बताई थी, विथ टिप्स एंड ट्रिक्स टू मेक गुड रबड़ी। ऊपर बटन में लिंक है, आप ज़रूर चेक करें। कंडेंस मिल्क डालकर हम इसे अच्छे से चला लेंगे और वापस एक उबाला आने तक रुकेंगे। मैंने इसमें चीनी नहीं डाली है क्योंकि कंडेंस मिल्क में ऑलरेडी शक्कर होती है। अब इसमें डालेंगे 250 ग्राम क्रीम। मैंने बाज़ार से लेकर फ्रेश क्रीम डाली है। अगर आपके पास होममेड क्रीम पड़ी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीम मिलाकर इसे अच्छे से चला लेंगे जब तक कि क्रीम अच्छे से मिक्स ना हो जाए। इसे 5 मिनट और उबाल लेंगे ताकि सब इंग्रेडिएंट्स का फ्लेवर एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, मैं शाही टुकड़ा चाशनी या शक्कर के पाक के बिना बना रही हूँ। अननेसेसरीली एक्स्ट्रा शुगर क्यों लें जब वही स्वाद रबड़ी की मिठास से ही मिल जाएगा। अगर आप सहमत हैं तो लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं। टेस्ट कर लेते हैं कि अगर इसमें शक्कर की और ज़रूरत है या नहीं। ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन अगर आप शक्कर थोड़ी ज़्यादा लेते हैं तो इस पॉइंट पर 1 या 2 चम्मच अपने स्वाद अनुसार इसमें शक्कर ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून यानी कि 1/2 चम्मच इलायची पाउडर और 1/2 चम्मच बारीक कटे हुए बादाम। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी रबड़ी रेडी है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये इतनी पतली क्यों, वो इसलिए क्योंकि ये अभी गर्म है। इसे जब भी हम थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे तो ये एकदम थिक हो जाएगी। चलिए अभी हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसे हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा करेंगे। 2 घंटे हो गए हैं, देखते हैं रबड़ी कैसी बनी है। ये देखिए कितनी थिक रबड़ी बनी है हमारी, वो भी बिना किसी कॉर्नफ्लोर या स्टार्च के मिक्स किए हुए, एकदम शुद्ध और स्वादिष्ट। ये दिखने में जितनी सुंदर है टेस्ट में भी उतनी ही अच्छी है। चलिए अभी रेडी करते हैं अपना शाही टुकड़ा। ये देखिए ब्रेड कितनी क्रिस्पी और अच्छी है। अब हम एक एक करके इन टुकड़ों को रबड़ी में डिप करेंगे और प्लेटर पे सजाएंगे ऐसे। ये ट्रायंगल ब्रेड भी लेती हूँ, दोनों वर्जन बता रही हूँ आपको, आपको जो बेटर लगे आप बनाइए। अच्छे से रबड़ी में डिप करके इन्हें हम प्लेटर पर सजाएंगे, फिर ऊपर से भी हम इन्हें रबड़ी से गार्निश करेंगे। अगर आपको आपका शाही टुकड़ा क्रिस्पी पसंद है तो बस इसे खाने से 10 मिनट पहले आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको शाही टुकड़ा थोड़ा नरम पसंद है तो 1/2 घंटा रखने पर ये ब्रेड्स अपने आप नरम हो जाएंगे और ये रबड़ी को पूरी तरह सोख लेंगे। अब हम इन्हें गार्निश करेंगे थोड़े कटे हुए बादाम और कटे हुए पिस्ते से। तो तैयार है शाही टुकड़ा विथ रबड़ी। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं, यकीन मानिए टेस्ट में भी उतनी ही अच्छी हैं। तो देखा आपने, ये रेसिपी बनाने में बहुत ही सिंपल है और स्वाद में लाजवाब। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए, मेरा दावा है कि मार्केट की मिठाई को भूल जाएंगे। शाही टुकड़े बनाने की इतनी इजी रेसिपी क्या आपने कहीं और देखी है? अपना जवाब हाँ या ना में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले वीडियो में विद अनदर इजी एंड टेस्टी रेसिपी। टिल देन हैप्पी कुकिंग।